अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है। यहाँ पर हमने एंगल ड्रा करना है। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं बताया कि आपने कितने सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है, तो आप अपनी मर्जी से जितनी चाहें लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो पॉइंट ए पर हमने 60 का एंगल बनाना है और पॉइंट बी पर हमने अगेन 60 का ही एंगल बनाना है। तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट जो है वो अपनी ड्रा कर लेते हैं। इसको पॉइंट ए का नेम दे देंगे और हमारा जो एंडिंग पॉइंट है इसको बी का नेम दे देंगे, हम मेंशन कर देंगे। और अब हम पॉइंट ए पर अपना 60 का एंगल जो है इसको ड्रा करेंगे। और पॉइंट बी पर हमने 60 का एंगल बनाना है अगेन, इसको मैच कर देंगे पॉइंट ए के साथ। पॉइंट ए पर 60 का एंगल और बी पर भी 60 का एंगल। और ये पॉइंट सी है, यहाँ पर कितने का एंगल बना है ये हम अब फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। एंगल ए पर हमने बनाया था, पॉइंट ए पर हमारा 60 का एंगल था और बी पर भी 60 का एंगल था, और सी हमने फाइंड करना है। और हमारी जो एक ट्राई एंगल होती है वो इक्वल होती है 180 के। 60 को 60 में ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 120 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। अब 120 जो है वो एंगल सी में ऐड हो रहा है, तो इक्वल क्यू साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 60 डिग्री। इट्स मीन कि जो आपका यहाँ पे 60 का एंगल बन रहा है, सी पॉइंट पे भी आपका 60 का है, तो आपकी जो थ्री साइड्स हैं ट्रायंगल की वो तीनों यहाँ पर 60 की बन रही हैं। तो ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई है। इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बाई साइड्स अगर हम देखें तो ये आपके पास 60 का एंगल है, इट्स मीन इट्स लेस देन 90 डिग्री। तो ये आपके पास एक्यूट एंगल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई इट्स साइड्स इट इज़ एन एक्यूट एंगल। थैंक यू।